हेलो फ्रेंड्स, हम बात करने वाले हैं एस्ट्रा लिमिटेड के बारे में। देखिए गाइस, एस्ट्रा लिमिटेड में आज के दिन नियर अबाउट 0.45% की गिरावट देखने को मिल रही है। गाइस, स्टॉक 1945 मतलब 1900-2000 तक ये स्टॉक गया था, लेकिन इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल आया। यहाँ से ये स्टॉक जो करेक्शन में आया उस 1939 के बाद और नीचे नीचे आते आते गाइस अभी साइडवेज भी रहा, देन उसके बाद फिर से एक फॉल देखने को मिला और धड़ूम करके स्टॉक गिरा और अभी कहाँ 1336 पे ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है। गाइज, देखिए, एक कैंडल बड़ी अच्छी बनी थी, बट आज के दिन अगेन इसमें रेड कैंडल बन रही है। गाइज, इसके बाद आप कह सकते हो कि अगर रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल बनती है तो ही आपको इसके अंदर ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आ पाएगा, लेकिन इफ अगेन रेड कैंडल बनती है तो गाइस नो डाउट फिर हमें इसके अंदर फिर हैवी फॉल देखने को मिल सकता है और ये स्टॉक 1300 से 1200 तक भी जाता हुआ देखने को मिल सकते हैं। बट अगर अगेन मैं आपसे रिपीट कर रही हूँ, अगर ग्रीन कैंडल बनी गाइस, जैसे ये स्टॉक 1334 पे चल रहे हैं एंड जरा सा भी आप कह सकते हो 1350 से ऊपर जैसे ही ये जाता है तो हमें ये 1400 से 1500 तक जाता हुआ देखने को मिल सकता है। पोजीशन है, इजीली होल्ड करके चलें। गाइस, स्टॉक बड़ा अच्छा है, कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लॉन्ग टर्म के पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंगली। अगर आप देखें तो अगर आप अपने पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म के लिए मैनेज कर रहे हैं तो उसके अंदर आपकी ये कंपनी भी होनी चाहिए। बाकी गाइस, इसको रिकमेंडेशन इन्फ्लुएंस नहीं, स्टडी पर्पज से वीडियो चैनल पर नहीं है तो लाइक इस पर करना मत भूलिएगा।